रिलेशनशिप का स्ट्रेस हैंडल कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर रिश्तों में कोई ना कोई दिक्कत तो आती है। रिश्ता टूट भी सकता है, अगर बना रहता है तो उसमें छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। कई बार क्या होता है, जब तक ठीक चल रहा है तब ठीक है, जब ठीक नहीं चल रहा है, सही नहीं है, तब हमें स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है। और ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि कई आपने किस्से देखे होंगे जहाँ पे सुसाइड लोग कर लेते हैं। तो ये तनाव को झेले कैसे, ये तनाव को कैसे हैंडल करें, तो ये वीडियो रिलेशनशिप टिप्स के ऊपर थोड़ा मोटिवेशन हो सकता है। थोड़े कुछ ऐसे 10 तरीके हो सकते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे हो सकता है। अच्छा, रिश्ते अगर कुछ ख़राब होते हैं तो ऐसे हैंडल किए जा सकते हैं। अगर ऐसी ऐसी चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखेंगे तो रिश्ते टूटेंगे भी नहीं और रिश्ते का तनाव ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 10 तरीके हैं रिलेशनशिप में तनाव को हैंडल करने के। सबसे पहला तरीका, एक्सेप्ट योर पार्टनर। आपके पार्टनर को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें। जब तक कंप्लेन करते रहेंगे अपने पार्टनर के तौर तरीके की, आदतों की, अपने पार्टनर की छोटी मोटी बातों की, अपने पार्टनर के खाने की आदत की, घूमने की आदत की, या तो फिर आपके साथ बात करने के तरीके की, तब तक तनाव रहेगा ही। अगर आपने तय कर लिया है कि पार्टनर को आप प्यार करते हो, आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, रिश्ता पूरी ज़िंदगी निभाना है, तो फिर कंप्लेन किस बात की। अगर कंप्लेन करते रहेंगे तो वही कंप्लेनिंग तनाव का कारण बनेंगे, हेडेक बन जाएगी और कहीं ना कहीं ये तनाव आपको ले डूबेगा। उससे अच्छा है अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें, देखें कि अगर वो आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा फिर भी देखें, उसमें भी आपको मज़ा आएगा कि वो पार्टनर कैसे बात कर। अल्टीमेट प्यार तो आपको करता ही है, तो फिर वैसे बात कर ली उन्होंने 10 मिनट तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर लिया उसके बाद वो सॉरी भी कह रहे तो तनाव किस बात का है। एक्सेप्ट करें, आपके पार्टनर को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें। तो ये सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपके पार्टनर के प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे, आपके, आपके पार्टनर के, किसी के भी जीवन में। ऐसा नहीं है कि लाइफ सीधी चल रही है, कभी अप कभी डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। तो आपके पार्टनर के नज़रिए से ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें, समझें कि आपके पार्टनर के जीवन में कौन से प्रॉब्लम उनके लिए मायने रखते हैं। अगर एक बार ये समझ लिया तो आप अपने पार्टनर के तनाव को भी हैंडल कर पाएंगे, खुद के तनाव को तो हैंडल कर ही पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, मेरा नज़रिया अलग हो सकता है, आपका नज़रिया अलग हो सकता है, आपके पार्टनर का नज़रिया अलग हो सकता है, हर एक की हर परिस्थिति को देखने का नज़रिया अलग है। तो आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परिस्थिति कैसी है, कौन से प्रॉब्लम उनके लिए बड़े, ये आपको समझना चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया तो जो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम छोटा है उनके लिए बड़ा है, तो वहाँ पर जो झगड़ा है वो नहीं होगा और ये डील आप तनाव की कर पाएंगे। तीसरा, काम योर सेल्फ। खुद को शांत रखें। अब आप कहेंगे हम खुद को शांति रखते हैं, सामने वाला ऐसा कर लेता है इसके लिए हमें गुस्सा आ जाता है। नहीं, कई बार क्या होता है, गुस्सा हम अपने आप नहीं करते, गुस्सा निकल जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, हम गुस्सा जानबूझकर ही करते हैं। सामने अगर हमसे मजबूत कोई इंसान खड़ा है तो हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन सारा गुस्सा अपनी वाइफ या अपने GF या BF पे निकाल देंगे। गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, आ जाता है, इंसान है, इमोशंस के हम पुतले हैं तो आ जाता है, लेकिन खुद को शांत रखेंगे तो कई मोटे मोटे झगड़े जो होते हैं ना रिलेशनशिप में वो नहीं होंगे। समझिए, खुद को शांत रखने के बहुत ही फायदे हैं। तो खुद को शांत रखकर तनाव को हैंडल करें। चौथा है, रियलाइज़। अगर आपने कोई गलती की है, पछतावा हो रहा है, तो अपने ईगो को साइड पे करके माफ़ी मांगे, हर बार मांगे। उनकी भी अगर गलती है फिर भी वो मान नहीं रहे, खुद आगे जाके सॉरी कहिए, फिर देखिए आपका रिश्ता कितना मजबूत होता है। मैं गारंटी देता हूँ, आपका पार्टनर किसी और की तरफ देखने की बात दूर है, उनको विचार भी नहीं आएगा, सोच भी नहीं बनेगी कि मैं किसी और के साथ कैसे जीऊँगी या जीऊँगा, कोई भी हो। रियलाइज़ करना बहुत ही बड़ी बात है। खुद की गलती का पछतावा, उनकी गलती का भी माफ़ी आप खुद मांगिए, क्योंकि आप चाहते हैं ये रिश्ता बना रहे। तो चौथी बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट, रियलाइज़। पांचवा है, क्लियरली बोलना, यानी कि जो बोले सच और बिल्कुल साफ। ये है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, क्लियरली बोलना है कि
ये सच्चाई है, मैंने ये करने की कोशिश की, नहीं हुआ, इससे ये हो गया और ये हो गया, इसकी बदौलत आपको बुरा लगा, ये झगड़े हुए, सब कुछ क्लियरली बैठकर समझे। जैसे हम कोई भी बिजनेस को समझते हैं, कोई भी और चीज़ को समझते हैं, वैसे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को समझे, हो सके तो लिख कर समझे, इसमें क्या बुराई है। आपको रिलेशनशिप में अगर एक्सपर्ट होना है तो सब कुछ समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं और वो झगड़े क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है, उसकी गहराई में जाइए, उसकी जड़ को पकड़िए और वहाँ से काट डालिए। तो क्लियरली जो भी करे वो करे, सच बोले, झूठ मत बोले। पता है दोनों को एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देना चाहिए। आप कहेंगे उनको तो देंगे लेकिन खुद को कैसे, खुद को भी समय दीजिए, अकेले बैठिए, देखिए आपके जीवन के रिलेशनशिप के जो पहलू में क्या चल रहा है, माँ बाप के साथ आपका रिश्ता कैसा चल रहा है, अभी छोटे भाई बहन के साथ, बड़े भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ, अपने पार्टनर के साथ क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ों पर दिक्कत आ रही है, उसको सुलझाने की कोशिश करें। अकेले बैठिए, समझिए खुद की जीवन को, यही कहते खुद को पर्सनल स्पेस देना। सामने वाले को भी पर्सनल स्पेस दीजिए, उनको भी समय दीजिए। अकेले रहना चाहते हैं रहे, कुछ पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देखने दें। पर्सनल स्पेस देने से दोनों को अपनी ज़िंदगी का महत्व समझ जाता है और फिर वो जब रिश्ते में आप आते हो, मजबूत बना के जाते हो, ढेर सारा प्यार करते हो। सातवां है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने ज़्यादातर रिश्ते देखे होंगे जहाँ पे ब्रेकअप हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, क्या उनका कारण होता है। मैंने कई देखे हैं रिश्ते, फेस टू फेस देखे, उसका मेन कारण होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का ठीक ना होना। वो खुद कहेंगे तो वो कुछ ऐसा बोल देंगे, गुस्सा कर लेंगे, तुम मुझे ये कहने वाली कौन हो, तुम मुझे क्या कह लोगी, ये वो ईगो। वहाँ पर शांति से अगर सामने वाला कहना चाहता है तो वह बात सुनिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अगर वो कुछ भड़ास निकालना चाहते हैं तो निकालने दें, अच्छे से बैठकर बातें करना, समझना, उनको समझना, ऑनेस्टी जिसे कहते हैं, ईमानदारी बातों में भी, रिस्पेक्ट बातों में भी, सब कुछ होना चाहिए, यही कहते हैं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना। आठवां है सामने वाले को ब्लेम मत करें। अक्सर हम गलती ये कर देते हैं, आपको लगता है कि आपसे तो कभी गलती होगी ही नहीं, सामने वाले को बोल देते गलती की है, ब्लेम, उतना ब्लेम कर देते, उतना बोल देते उसको, फिर वापस वो शब्द लेने में खुद ही कठिनाई हो जाती है। तो ऐसा मत करें, इतना ज़्यादा ब्लेम सामने वाले को मत करें, खुद को भी समझें, आपसे भी गलती हो सकती है, तो सामने वाले से हो गई है तो माफ़ी दे दें। इतना ब्लेम करने की आदत अच्छी बात नहीं है, तो ये आपको सुधारनी है अगर आप तनाव को कम रखना चाहते हैं तो। नौवां है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छिपाने की कोशिश ना करें। आप अक्सर क्या करते हैं, किसी तीसरा पसंद आ जाता है या कुछ बातें बिजनेस की या जॉब की हो, छिपाने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें होती है चलिए छिपा लेते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें आप ना कहकर छिपाने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हो सके उतनी बातें अपने पार्टनर के साथ शेयर करें तो ये एक अच्छी बात है। आखिरी और दसवां है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज़ ढूंढ के लाइए जो दोनों को साथ में करने में मज़ा आए। ऐसा करने से आपका तनाव 99% ख़त्म हो जाएगा। साथ में अगर आपको दोनों को रोमांटिक मूवी देखना अच्छा लगता है तो देखिए, दोनों को पेंटिंग करना साथ में अच्छा लगता है तो पेंटिंग करें, खेलना अच्छा लगता है तो खेलिए, कुछ भी करिए, साथ में कुछ करिए, वक्त बिताइए, आपका स्ट्रेस लगभग जीरो हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को बनाती है, अच्छा मजबूत बनाती, गहरा बनाती है, तो ये चीज़ एक अच्छी है। तो ये 10 चीज़ें जिससे आप अपने रिलेशनशिप के स्ट्रेस को, तनाव को कम कर सकते हैं। सच में आपको लगा हो कि ये 10 तरीके स्ट्रेस हैंडल करने के अच्छे हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जिए भी फ्रांजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।